जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अक्सर कुछ ज्यादा हासिल करने की होड़ में हम सोने के लिए पूरा वक्त नहीं निकाल पाते। काम के जुनून में अपनी नींद में कटौती करने का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक ताजा शोध से पता चला है कि नींद की कमी न सिर्फ जटिल बीमारियों का सबब बन रही है बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग बेखुदी में अक्सर एक जुमला कहते थे, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुझक के सोइए। मौजूदा पीढ़ी इस जुमले को गंभीरता से लेने के बजाय चटखारी लेकर कहने सुनने लगी, लेकिन एक ताजा शोध ने यह साबित कर दिया है कि पुरखों के इस जुमले में सेहत और स्वास्थ्य का बेशकीमती फॉर्मूला जज्ब है। इस शोध से ये पता चला है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं और इसकी वजह से गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। दरअसल सफलता हासिल करने के सपनों ने हमें इतना बेकरार बेचैन कर दिया है कि हम ये तक भूल गए हैं कि सोना सपना देखने की बुनियादी शर्त है और अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो सफलता हासिल करना तो दूर, पूरी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। ऐसे में नींद को लेकर हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। आम धारणा यह है कि अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, हम शारीरिक श्रम ज्यादा करेंगे तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स कंट्रोल में रहेगा, लेकिन यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दिन में 30 मिनट पावर नैप यानी अच्छे तरीके से झपकी लेने वाले का वजन कंट्रोल में रहता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल का ये शोध 5 देशों के करीब 15,000 लोगों पर किया गया है। इसमें लोगों के सोने, जागने, बैठकर काम करने और फिजिकल एक्सरसाइज पर गहन स्टडी की गई है। लोगों की इन एक्टिविटीज को उनकी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और बॉडी मास इंडेक्स से जोड़कर एक ठोस नतीजे पर पहुंचा गया। इस रिसर्च से पता चला कि बैठकर टाइम पास करने वालों की तुलना में उसी समय सोकर बिताने वाले लोगों का वजन अपेक्षाकृत कम बढ़ता है, उनका हार्ट भी ज्यादा हेल्दी रहता है। इतना ही नहीं, उनका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी तुलनात्मक रूप से दुरुस्त रहता है। हालांकि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा सोने वालों की सेहत बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सामान्य से कम सोना या सामान्य से ज्यादा सोना दोनों खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप इतना जान लीजिए कि एक प्रौढ़ इंसान के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, लेकिन जानी मानी एजेंसी लोकल सर्किल के भारतीयों पर की गई एक रिसर्च कुछ और ही कहानी बयां करती है। लोकल सर्किल के रिसर्च के मुताबिक 55% भारतीय 6 घंटे से भी कम की नींद ले रहे हैं, जबकि 21% तो सिर्फ 4 घंटे ही सो पा रहे हैं। 6 घंटे से कम सोने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा हार्ट खून के साथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज और दूसरे जरूरी तत्व मुसलसल पूरे शरीर में पहुंचाता है, लेकिन हमारे दिल को भी आराम की जरूरत होती है और ये आराम उसे तब मिलता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। दिल को आराम नहीं मिलने का मतलब है बीमारियों को न्योता। शोध से पता चला कि कम सोने वाले लोगों को हार्ट अटैक के साथ ही डिप्रेशन, शाइजोफ्रेनिया और फोबिया जैसी मानसिक बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। जान है तो जहान है, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो धन संपदा और ऐश्वर्य बेमानी लगने लगेंगे। इसलिए रोज 6 घंटे से ज्यादा की बेफिक्र नींद लीजिए और हाँ, मुमकिन हो तो दिन में एक पावर नैप जरूर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वजन घटाने के लिए नींद कितनी जरूरी है, इस बारे में हमने डॉक्टर नीतू जैन से बात की, सुनिए क्या कहना है उनका। ऐसा सब लोग मानते हैं कि आप नींद छोड़िए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपका वजन जल्दी कम होगा, पर यह बात पूरी तरह सच नहीं है। आपको प्रॉपर अमाउंट में सोना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो लोग ठीक से सोते नहीं है उनका भी वजन बढ़ता है। तो कम से कम 7 घंटे की नींद आपके लिए बहुत जरूरी है, पर यह कोई सैक्रोसैंक नहीं है कि मतलब हर किसी के लिए 7 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और उस कम या ज्यादा होती है, उसके हिसाब से उसको नींद की जरूरत होती है। तो इतनी नींद आपकी होनी चाहिए कि आप सुबह उठे तो आप फ्रेश उठे,
और नींद का मतलब ये नहीं है कि आप लेटे रहे तो आपकी नींद हो गई। नींद का मतलब ये है कि सोना और डीप स्लीप में भी जाना। जो लोग डीप स्लीप में नहीं जा पाते हैं उनकी भी नींद पूरी नहीं होती है, सुबह उठ के उन्हें फ्रेश नहीं लगता है। तो नींद नहीं करने के कारण आपका, आप रात में अगर जागे रहेंगे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रात में जागे रहते हैं तो दिन भर चाहे वो बहुत डाइट करें और खाना कम खाएं, वो रात में खाना खाते हैं क्योंकि टाइम पास नहीं होता उनका और रात में खाना खाने लगते हैं। नींद कम होने से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं क्योंकि उनकी नींद कम होती है। ये तो सबको ही बताया कि अगर आप रात में नहीं सोएंगे तो अगले दिन आपकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के जमाने में। तो ज्यादा देन आपकी 16 घंटे काम करें और उसके बाद 4 घंटे एक्सरसाइज करें, बहुत अच्छा है कि आप 8 घंटे या 8 घंटे सोएं। 45 मिनट्स कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो 45 मिनट्स की एक्सरसाइज चाहे वो किसी भी टाइम ऑफ दिन पे हो वो आपके लिए काफी है। इससे ज्यादा एक्सरसाइज के लिए अपनी नींद की कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है नहीं आपको।